नमस्कार, इस समय हम पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के पुत्र ने जो बयान दिया है कि सनातन धर्म की जो तुलना डेंगू और मलेरिया से की है और इसको एक बीमारी बताया है और इसको ख़त्म करने की बात की है, तो इस जो ऐसा जो शर्मनाक बयान एम के स्टालिन के पुत्र ने दिया है तो उसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के जो जाने माने वकील उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर वो कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाने की बात कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने चेन्नई पुलिस को क्या नोटिस भेजा है और उस पर वो अपनी जानकारी देंगे। सर, क्या कहेंगे आप जो एम के स्टालिन के पुत्र ने ये बयान दिया है, हिंदुओं के की भावनाओं को आहत किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर ये संज्ञान में लिया है LRO करके एक संस्था है, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, उसके विनय जोशी हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और वो कहते हैं कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, धार्मिक विद्वेष पहुंचाने की ये कोशिश है। तो इस पर लीगल नोटिस मैंने उनकी ओर से इशू किया है कमिश्नर चेन्नई, ग्रेटर चेन्नई को, कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि अभी पिछले साल के जजमेंट में बोला है कि जब भी ऐसा हेट स्पीच का कोई विषय आए, कोई मैटर आए, पुलिस के संज्ञान में आए, तो पुलिस किसी कंप्लेंट का इंतज़ार नहीं करेगी और पुलिस ये नहीं चाहे रोकेगी कि कोई आकर हमें शिकायत कराए, और पुलिस स्वतः सुओ मोटो जिसको बोलते हैं स्वतः ही एक्शन लेगी, FIR रजिस्टर करेगी और उनके अगेंस्ट कार्रवाई पुलिस की करेगी। तो चूंकि पुलिस ने जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है वो वहाँ के अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और मिनिस्टर भी है और मुख्यमंत्री साहब के सुपुत्र भी है, और उन्होंने ये जानबूझ के दिया है, इंटेंशनली दिया है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अपने ट्वीट में एडमिट भी किया है कि हाँ मैंने ऐसा कहा है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो पढ़ के बोल रहे थे, इसका मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है और कुछ लोगों ने तैयारी करके ये विद्वेष फैलाने की कोशिश की है। तो इस लेकर मैंने लीगल नोटिस LRO की संस्था की तरफ से दिया है ग्रेटर चेन्नई के कमिश्नर पुलिस को कि आप इस पर स्वतः संज्ञान अभी तक नहीं ले पाए हैं, अब आप लीजिए, अगर आप एक हफ्ते में नोटिस के मिलने के बाद एक हफ्ते में अगर आप संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर जो 153 की 295 की जो धार्मिक विद्वेष फैलाने से संबंधित उनके स्टेटमेंट को देखते हुए जो भी ये किया है या जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये आयोजन किया है, जिन लोगों ने ये लिख के दिया है, जिन लोगों ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, तो उन्होंने ऑफेंस किया है और इस ऑफेंस पे पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कमिश्नर के लेवल से कार्रवाई नहीं होती, कमिश्नर को नोटिस में ये कहा गया है कि आप जो ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए, जो क्षेत्र विशेष से जहाँ पर ये सेमिनार हुआ था वहाँ के लोगों को इंस्ट्रक्शन दीजिए, और अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते तो आप जिम्मेवार हैं, लायबल होंगे कंटेम्प्ट के लिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत पहले स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सबको आदेश दिया हुआ है, तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट का मत नहीं है, ये स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं, इसको कंप्लाई करना जो पुलिस है, जो भी पुलिस है जहाँ की, हर स्टेट उसमें पार्टी है, तो यहाँ जो चेन्नई की पुलिस है उनका कर्तव्य है, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को अगर कंप्लाई नहीं करेंगे तो हम वैसी दशा में हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई, अदालत की अवमानना की कार्रवाई उनके खिलाफ, कमिश्नर ऑफ पुलिस के खिलाफ करेंगे और ये कहेंगे कि इन्होंने ऐसे में इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जो कि कंटेंट बनता है। इसके अलावा जो और प्राइवेट कंप्लेंट होगी या पुलिस कंप्लेंट होगी या जो भी कार्रवाई होगी, वो जो सज्जन महोदय हैं जिन्होंने ये बयान दिया है शर्मनाक विद्वेष को फैलाने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई LRO की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको हम करेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि कमिश्नर इस नोटिस के रिसीव होने के बाद और एक्शन ले और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें और ये पता करें कि किन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, ऐसा विषय क्यों रखा था और ये क्या भावना थी, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किसने वो स्पीच लिखी, ये बहुत सारी बातें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने करके लाएगी, तब जाकर सब क्लियर होगा। तो इस आशय का नोटिस इशू किया गया है, अभी देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई आगे होती है। सर, एक तो होता है कि आप जो बयान दे रहे हैं वो अनजाने में दे सकते हैं, भूल चूक करके आप
बोल सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने जो बयान दिया है उस पर आप सफाई दीजिए, अपनी बात राय बताइए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने जो स्टेटमेंट कहा है वो मैं उस पर कायम हूँ। तो आप इसको लेकर कैसे देखते हैं कि वो तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है? देखिए, ये कोई भी क्राइम, किसी क्राइम में जब सजा देती है कोर्ट अदालत, तो वो ये देखती है क्या आपकी इंटेंशन क्या थी, जिसको कि हम कानूनी भाषा में मेंस रिया कहते हैं। आपकी इंटेंशन है ऐसी कि आप विद्वेष फैलाएं, आप सामाजिक विद्वेष फैलाएं, धार्मिक विद्वेष फैलाएं, ऐसी बातें बोले जिससे समाज खंडित हो, तो ये इन्होंने अपने ट्वीट में भी स्पष्ट किया है। और आप देखेंगे कि वो वीडियो में जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो पूरी तैयारी से तैयार करके अपने माइंड को बना कर आए हैं। इसका मतलब मेंस रिया उनमें पहले से था कि मुझे ये क्राइम करना है, तो वैसी दशा में इनके ऊपर कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए, चाहे ये मंत्री हो या कुछ भी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट बोला हुआ है कि कोई भी आदमी हो, किसी लेवल का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आपको एक्शन लेना ही लेना है। तो उस दशा में चेन्नई पुलिस को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। जो गठबंधन बना है इंडिया नाम का, जिसको कि निकनेम में लोग अभी घमंडी ये कह रहे हैं, INDIA करके इन्होंने एक बनाया है, उसका ये प्लानिंग की तरह तहत ये सब किया जा रहा है। ये कहीं आइसोलेशन में नहीं है, आप कई जगह देखेंगे, बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश के भी एक नेता ने किया है, तमिलनाडु ने किया है अभी, और खड़गे साहब कर रहे हैं, और आगे भी ऐसा लोग करेंगे। इसलिए कानूनी रूप से ऐसा होना चाहिए कि जो भी ऐसा कर रहे हैं, कानून का भय यही होता है कि जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया तो उसके खिलाफ जैसे ही एक्शन होगा तो बाकी लोग कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हुए डरते हैं। ये हमारे कानूनी व्यवस्था की मूल धारणा है, और वो पनिशमेंट डिटरेंट होना चाहिए, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। और अगर इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय की ओर जाना पड़ेगा, न्यायालय से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, न्यायालय में जो प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हमको जाकर ऑर्डर लेने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है इसमें। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से एक धर्म के खिलाफ जानबूझ के ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरे धर्म पे अगर कोई बात की जाती इनकी वजह से तो ये कहते हैं बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं, राहुल गांधी इस बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, तमाम जो इंडियन अलायंस के जो गठबंधन दल के विपक्षी नेता हैं वो इस बयान पर चुप्पी साधे हुए, तो आपको क्या लग रहा है जो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं वो 2024 को लेकर मुस्लिम वोटों के लिए किया जा रहा है कैसे? हाँ, ये तो देखिए, ये बात तो पकड़ में अभी आएगी नहीं अभी, लेकिन ऐसा आप एक कयास लगा सकते हैं, ऐसा असेसमेंट हम कर सकते हैं कि ऐसा ये कर रहे हैं, और ये प्लान्ड वे में इनका एक नैरेटिव बनाया गया है कि ऐसा करो ताकि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो इनके फेवर में पोलराइज हों, और धार्मिक विद्वेष फैलाने से हमेशा कांग्रेस और इनके एसोसिएट्स को फ़ायदा होता रहा है। तो ऐसा ये विद्वेष फैलाने की अभी जो ये इन्होंने तैयारी की थी उस पर ये एक्शन ले रहे हैं, तो अब देखते हैं। ये चीज़ें तो अभी थोड़े दिन बाद खुलकर सामने आ जाएंगी, और इलेक्शन के समय तो इसका नंगा नाच होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कल PC का ये उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस केस के मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, आप इस मैटर पर क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद इसलिए नहीं ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट डायरेक्शंस पहले इशू किए हुए हैं, और जिस केस में जो रिट पिटीशन जिसमें ये किया गया है उस केस में हर स्टेट को पार्टी बनाया गया था, और प्रेस मीडिया से संबंधित जितनी बॉडीज़ हैं उनको भी पार्टी बनाया गया था, और उसमें बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर्स भी हुए हैं। तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये देखे कि जो मशीनरी उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने व्यवस्था की है, वो खुद होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर देश के हर कोने में, हर जगह से, हर चीज़ में हाथ नहीं डाल सकता, नहीं डालना चाहिए। और जो एजेंसी है, जो भी कानून व्यवस्था की एजेंसी है, जो भी लोग हैं, वो अपना काम करें, अगर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा तो चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट चूँकि इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सख्त है, बहुत ही क्लियर है, तो ये कार्रवाई तो होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि MK जो स्टालिन के बेटे हैं उदय निधि स्टालिन, उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो एक बोरी चावल और आटे में बिक जाते हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ये हो सकता है, इन्होंने तो राजनीति को, जो तमिलनाडु की राजनीति को कितना गंदा, कितना दूषित किया हुआ है,
सबको पता है और किस तरह से वहाँ सरकारें चलती हैं, किस तरह से वोट खरीदे जाते हैं, किस तरह से लोगों को गलत तरीके से लुभावना ये बनाकर वोट खींचा जाता है, उनसे गिफ्ट में सरकारें क्या क्या देती हैं। तो ये तो एक हमारी डेमोक्रेसी का ये मजाक उड़ा रहे हैं और ये बहुत ही गलत है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए और एक्शन भी इसके ऊपर होना चाहिए। इस केस में आप क्या देखते हैं, अगर एमके स्टालिन के बेटे दोषी पाए जाते हैं तो उनको क्या सज़ा हो सकती, कोई ऐसी सज़ा है जो कि इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है आगे चल के? देखिए, सदस्यता रद्द होने की बात तो अभी हम नहीं कर सकते, अभी तो इसका कॉग्निजेंस लिया जाना बाकी है। कॉग्निजेंस होगा, उसके बाद फिर ट्रायल चलेगी, ट्रायल चलने के बाद उनकी सज़ा होगी, सज़ा तय होगी। उस दरमियान कौन से ऑफेंस में ये पाए दोषी पाए जाते हैं, वो ऑफेंस 2 साल 3 साल से ऊपर का है, 3 साल से नीचे का है, या टोटल सज़ा इनको 3 साल से ज़्यादा होती है, तो वो सब देखते हुए आप अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब इनको वो कार्रवाई चलेगी या ये वो सज़ाएँ होंगी, तब देखा जाएगा तब का कानून क्या है, तब वो कितने दिनों में डिस्क्वालीफाई होते हैं, कितने दिन की सज़ा पे डिस्क्वालीफाई होते हैं, कहीं कल को कोई अमेंडमेंट आ जाए या सुप्रीम कोर्ट कोई चेंज कर दे, तो हमारा कानून इस तरह से डायनेमिक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो दैट वे अभी कोई प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि एज ऑन डेट आज जो ऑफेंस हुआ है, इस पर तुरंत के तुरंत इनको कॉग्निजेंस चेन्नई पुलिस को, तमिलनाडु पुलिस को तुरंत के तुरंत कॉग्निजेंस लेना चाहिए और लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे करके ये लोग और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक केस इसमें पहले कोर्ट में जो चला था, ओवीसी के छोटे भाई जो 15 मिनट की बात करते थे, छूट मिल गई थी वहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा सर कि इस केस में अगर सज़ा हो जाती तो आगे ऐसे बयान नहीं आते? क्या आपको लग रहा है कि कुछ ढीला ढाला रवैया यहाँ पर कोर्टों के द्वारा होता है, या तो इनको छूट मिल जाती है? देखिए, किसी केस को आप कंपेयर किसी दूसरे केस से नहीं कर सकते, उसका आयोजन कैसा है, कौन ऑडियंस है, कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है, कौन बोलने वाला है, किस लिए बोला जा रहा है, ये सारी बातें देख समझ कर, जो सरकमस्टांसेस होते हैं उसको देख समझ कर ही कानूनी निर्णय लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेटमेंट किसी का हमने सोशल मीडिया पर कहीं देख लिया, समझ लिया, सुन लिया कि ये तो विद्वेष फैला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और हम कंक्लूज़न पे जंप कर जाते हैं। न्यायालय में, न्यायालय की प्रक्रिया ऐसी नहीं है, सारे साक्ष्य जुटाए जाते हैं, उन्होंने कैसे कहा, क्यों कहा, उसके पहले क्या कहा, वो सारी बातें देख कर, नाप तौल कर, कानून संगत फिर गहरे से उसकी जांच करके, गवाही ला कर, उनको मौका दे कर कि आप अपने डिफेंस में गवाह लाइए। तो ओवैसी जो भी कहा होगा वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। इसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये पिटीशन चल रही है उसमें बहुत सारे जो हिंदूवादी चैनल हैं उनके खिलाफ भी रोक के ऑर्डर लगाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करना होता है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक सामाजिक जो विद्वेष फैलाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए उसको, या कोई क्राइम आप किसी को इंसाइट कर दें, किसी को भड़का दें, उसको और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में ऐसा करें, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बैलेंस करना होता है। बाकी चीज़ों के लिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, पुलिस है, बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और बहुत सारे चैनल्स को मॉनिटर करने वाली संस्थाएं हैं, तो ये सब अपना अपना काम करती हैं, करेंगी, और सबका कंटेक्स्ट अलग है, कहीं पे सज़ा है, कहीं पर पेनल्टी, पैसे की पेनल्टी है, छोटी मोटी पेनल्टी है, रेकरिंग पे ज़्यादा है, कभी किसी चैनल का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये मिक्स है उस तरह से। लेकिन मूल भावना ये है कि जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी आड़ में आप धार्मिक विद्वेष, सामाजिक विद्वेष, या देश की अखंडता, संप्रभुता, या देश के खिलाफ डेरोगेटरी बातें, या किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी कास्ट विशेष के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हैं तो हमारे IPC में ये पहले से ही ऑफेंस है और ऑफेंस को लेकर आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।